सर यहाँ पैसा लेगा क्या? हाँ पैसा लेगा, ये कह रहे थे पैसा लेंगे। पैसा अगर प्राइवेट गाड़ी तो पैसा लेगा ना, तो हमारे पास पैसे कहाँ है सर? हम लोग, मैं बनारस से आ रहे हैं। कहाँ जाना? हम लोग भागलपुर जाएंगे। भागलपुर वही घर है? हाँ घर भागलपुर नहीं, घर भागलपुर नहीं, हम लोग मालदा जाएंगे। वेस्ट बंगाल जाना? हाँ। तो कहाँ से ऐसे ही आ रहे हैं? ट्रक में बैठ के? नहीं पैदल, कभी पैदल कभी ट्रक में, कभी पैदल कभी ट्रक में। कितना लोग होंगे इसमें? सर यहाँ पैसा लेगा क्या? हाँ पैसा लेगा, ये कह रहे थे पैसा लेंगे। पैसा अगर प्राइवेट गाड़ी तो पैसा लेगा ना, तो हमारे पास पैसे कहाँ है सर? क्या बोले? हमारे पास पैसे कहाँ है? ये ड्राइवर हमें पता नहीं है किसके, सिर्फ आपके पास पैसा नहीं कि बाकी सबके पास पैसा? बाकी के पास नहीं है, हमारे 4 बंदा है, हम लोग पैसा नहीं है। नहीं बाबू, हम लोग पैदल आया है, देखो मैं तो दिखा रही हूं। कहाँ है जी गाड़ी? ये ड्राइवर है? ड्राइवर कौन है? कितना पैसा ले रहे हैं आप लोग? हम लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। सही बताइएगा। सही बोल रहे हैं सर। कैसे इस लोग को ले जा रहे हैं? ये सिपाही जी बोल रही ना कि बैठा के ले जाओ, जा रहे हैं उधर तक, हम जा रहे हैं कलकत्ता पाउडर लेकर। पाउडर लाने के लिए जा रहे हैं। कौन पाउडर? वो सैनिटाइजर। अच्छा, ये लोग में कुछ लोग के पास पैसा नहीं है? हाँ पैसा वैसा नहीं है, ये लोग बड़ी दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे साधन भी नहीं है गाड़ी घोड़ा का, तो हम लोग उधर जा रहे थे, सिपाही जी बोले कि बैठा के ले ले चल जाओ। पैसा नहीं लोगे? नहीं नहीं सर। चलिए इधर है, आप पैसा आपसे नहीं लेगा? हमसे नहीं लेगा, 4 बंदा से नहीं लेगा ना, कोई बात नहीं बाबू। इनको आशीर्वाद दे दीजिए खाली, ये सही पैसा नहीं लीजिए। हाँ ठीक है सर। बम्बई से आ रहे हैं। मुँह झापिए पहले, मुँह ढकिए पहले। हाँ कौन चीज से आए? मुंबई से। ट्रक से आए? ट्रक से। बच्चा भी है? हाँ बच्चा भी है, देखिए 2 छोटा छोटा बच्चा है। इधर इधर आइए, तो ये दोनों बच्चा को भी ट्रक में ही लेके आए हैं ना। क्या करते हैं बम्बई में? ओ मसाला वसाला बनाते थे। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते थे। कहाँ जाना है अब आपको? जाना है बोधगया, दानपुर। हाँ गाड़ी मिल रही है? हाँ गाड़ी नहीं मिल रहा है। कौन जगह आपको पता है? हाँ कौन जगह है ये? तो इनको नहीं पता, ये आ गए हैं 0 माइल के पास पटना में, और इनको जाना है गया। गया के लिए जो रोड है, यहीं से आगे से रास्ता है गया जाने के लिए, लेकिन इन लोगों को गया जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही। सिर्फ यहीं का ये मामला नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आ गए हैं ट्रक से बैठ के यहाँ पे 0 माइल के पास। और इसी तरह मीठापुर बस स्टैंड के पास भी लोग जमा हुए हैं, लेकिन किसी को भी कोई गाड़ी नहीं मिल रही है जो उनके उनके ज़िले तक छोड़ दे। बड़ी संख्या में देखिएगा आप, तो यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, उधर हैं। ये सोचते हैं कि जो ट्रक जा रहे हैं उस ट्रकों में बैठ के हम चल जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग इधर बख्तियारपुर से आ रहे हैं। बख्तियारपुर से आ रहे हैं? कहाँ जाएंगे? गोरखपुर जाना है। गोरखपुर जाएंगे, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो गाड़ी मिल रही है? अभी तो नहीं मिल रही है, फिलहाल देख रहे हैं। इधर तो मिल गया था, आगे का पता नहीं। क्या जी कहाँ से आए हैं आप लोग? पुणे से आए हैं। पुणे महाराष्ट्र से। देखिए बच्चा भी एक छोटा सा। पुणे से आप भी आए? कौन चीज से? हाँ पुणे से आया। कौन चीज से? ट्रक से आया। ट्रक से आया। ट्रक से? हाँ। कई दिन लगा ट्रक से आने? एक आदमी बोलिएगा। हाँ 5 दिन लगा ट्रक से आने में? 5 दिन लगा। पैसा लिया ट्रक वाला? नहीं। सही बोलिएगा, कितना पैसा लिया? हम लोग अभी नहीं लिया। काहे नहीं लिया? बोला बाद में अकाउंट में डाल देने का। अकाउंट नंबर दिया? हाँ। पैसा नहीं था आप लोग के पास? नहीं। आप लोग जैसे शुरू में सबसे पैसा मांग रहा होगा ट्रक वाला? हाँ पहले तो मांग रहा था, रोड में भी उतार रहा था। हाँ? रोड में भी उतार रहा था। पैसा नहीं था तो उतार दे रहा। हाँ उतार दिया था, फिर बाद में लोग बोला जब चढ़ाया। अच्छा, आपको नंबर दे दिया खाता के? क्या करते हैं वहाँ? वहाँ जो हगीस बनता है बच्चे का, उसका काम करते थे। हगीस बच्चा जो बनता है वहाँ काम करते हैं। इधर घर कहाँ है आपका? इधर घर है सलमापुर, गौरा। गौरा क्षेत्र, गौरा चक। हाँ सलमापुर गाँव है। गाड़ी मिल रही है यहाँ से? अभी तो कोई सुविधा नहीं है सर। कोरोना को लेके कुछ जानते हैं? कोरोना क्या है? नहीं हमें पता नहीं। कोरोना बीमारी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं हमें पता नहीं। आप जानते हैं कोरोना के बारे में? नहीं मालूम नहीं। अच्छा बंदी क्यों हुआ पूरा देश में पता है? ये तो मालूम नहीं है सर, पहली बार बाकी जीवन में हुआ है, सब कोई का जीवन में पहली बार ये बंदी हुआ है ट्रेन। तो ऐसी बैठल रहिएगा हो, गाड़ी नहीं मिल रही है तो नहीं, कोई सुविधा तो होना चाहिए। आप लोग अगर दानापुर उतरते ना तो वहाँ से सरकारी बस, ट्रक वाला आगे उतार दिया ना, फिर पैदल आए उधर से, जो ब्रिज का ऊपर उतार दिया था। आज खाना वाना मिला आप लोगों को? अभी नहीं मिला। बच्चा को कुछ खिलाया है? नहीं, बिस्कुट खिलाया है, बिस्कुट है, दूध है, हाँ, बिस्कुट है, दूध है, खिलाया। गाड़ी खोज खोज के हम लोग परेशान हो गए हैं। दूर रहो, दूर रख के, हाँ मुँह झाँको पहले, मुँह ढकने वाला है। हाँ आप बोलिए तब तक, क्या बोल रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। महाराष्ट्र से आने में हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग को तकलीफ। बिहार आने के बाद? हाँ, बिहार आने के बाद। महाराष्ट्र में ट्रक में लदा गए, बैठ गए, हमने बोले। हाँ। कुछ दूर पैदल आए हैं हम लोग। हाँ। उसके बाद यूपी सरकार हम लोग को कुछ वहाँ से पुलिस वाला कुछ हम लोग को हेल्प किया, ट्रक में बैठा कर हम लोग को यहाँ भेज दिया। अच्छा। और उसके बाद यहाँ उस बार से हम लोग गाड़ी के लिए ढूंढ रहे हैं, गाड़ी नहीं। आप लोग गलती किए हैं। हाँ, आपको मौका मिलेगा। गलती क्या है आप लोग की, हम बताते हैं कि आप लोग भी जो देख रहे हैं वीडियो और कहीं बाहर मजदूरी करते हैं, ट्रकों में लदा के आ रहे हैं बिहार, और आप लोग 0 माइल या फिर मीठापुर स्टेशन के, मीठापुर बस स्टैंड के पास पहुंच जा रहे हैं कि वहाँ से गाड़ी मिलेगी, तो नहीं। सामने सट जा बाबू। तो आप लोग के लिए ये सूचना है कि बिहार सरकार के द्वारा बसें चलाई जा रही है हर जिलों के लिए। बिहार में जितने भी जिले, हर जिले की अलग अलग बसें खुल रही है। दानापुर से तो आप लोग जो पैदल आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं बिहार, तो आप लोग दानापुर पहुंचिए, दानापुर रेलवे स्टेशन के पास, और वहीं से जो बसें हैं सरकार की तरफ से खोली जा रही है, और उन्हीं बसों में बैठ के मजदूर अपने अपने घर, मतलब अपने स्थानीय क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं।